आज आप सीखोगे परमेश्वर कौन है इस विषय पे आज आपसे बात करूंगा मैं चाहता हूं बहुत ध्यान से बहुत फोकस्ड होकर आप इस वक्त जहां भी बैठे आप जहां भी हैं वहीं पे कम से कम एक घंटा सिक्सटी मिनट्स आप रुक जाइए मेरी कोशिश होगी कि साठ मिनट में आपको मैं यह बता सकूं दोस्तों जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो अगर अभी तक सुरक्षित है तो एक परमेश्वर है जिसको आपको जानना है यह आकाश जिस पे आप सूरज को देखते हो चांद को देखते हो लाखों करोड़ों मिलियन मिलियन ट्रिलियन तारों को देखते हो और ऐसे एक आकाश गंगा है जिसको कहते हैं मेल्की वे ऐसे बहुत सारे आकाशगंगा है इन सबको बनाने वाला आपको सुबह नींद से उठाने वाला जो किसान बीज बोता है इस आशा से बारिश आएगी उसको बारिश यानी कि पानी देने वाला आपके घर को संभाल कर रखने वाला आपकी जिंदगी को सुरक्षित रखने वाला एक परमेश्वर है अगर उस सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना जीते जी आपका अनंत काल का जीवन कहां बीतेगा उसकी जानकारी इसी प्रोग्राम में या इसी वीडियो में आपको देने जा रहा हूं मैं चाहता हूं कि जब ये वीडियो आप देख चुके होंगे और आपको यह एहसास हुआ हो सच है डैनियल राज आपने जितनी भी बातें की मैं समझ चुका हूं और अब मैं अपना जीवन इस सच्चे परमेश्वर को देना चाहता हूं आप मुझे हमारी टीम को एडमिट्स को मैनेजर को और जो ऑफिशियल नंबर है एमएमबी का उनमें से किसी को भी आप कॉल कर, कर आप हमसे संपर्क में आ सकते हैं आज का मेरा प्रचार विश्वासियों के लिए भी है अविश्वासियों के लिए भी है और साथ ही साथ उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के प्रति मसी समाज को धोखे में रखते हैं और बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं और जिसके चलते मैंने कहा था दो दिन पहले कि मैं आप लोगों की जड़ें मजबूत करूंगा उसी कड़ी में बीता दिन यानी कि यस्टरडे मैंने आपको बेसिक नॉलेज बाइबल की वो दी थी और आज आपको परमेश्वर कौन है आज आप सीखोगे परमेश्वर कौन है इसके ऊपर बात करूंगा तो आशा करता हूं आप लोग सब तैयार हैं और जितने अभी देख रहे हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं आपको महसूस हुआ कि यह वीडियो लाखों लोगों के लिए बेनिफिट है फायदेमंद है उन तक जरूर पहुंचाइएगा और याद रखिएगा ऐसा करने से मुझे कुछ फायदा नहीं होगा बट परमेश्वर के राज्य को बहुत फायदा होगा नाउ आई यू रेडी फॉर दिस शुरू करते हैं टॉपिक को फिर से पढ़ रहा हूं आज आप सीखोगे परमेश्वर कौन है क्यों ना ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने खुद को अपने आप को लोग समझ सके ऐसा प्रकाशन मुझ जैसे दस टक्का को और एक पुस्तक जिसको हम कहते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल ग्रीक में बिबलिया माध्यम से उसने खुद को प्रकट किया और आज मैं आपके बीच में परमेश्वर की बातों को रखने जा रहा हूं सबसे पहला यह वचन नीति वचन 25 का दो कहता है परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है अब इसका आगे का लाइन पढ़िए परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है गुप्त बात के पता लगाने से होती है ओ ओ ओ, ओ, ओ। आपने कभी पढ़ा था इसको शुक्र है कि यह वचन मेरे हाथ लग गया और मैं आज आपको समझा पा रहा हूं परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने में है तो राजाओं राजा लोग क्या करते हैं जो बातें गुप्त हैं मिस्ट्री हैं, हैं, रहस्य छुपी हुई हैं, नहीं जानते राजा उसको पता लगाता है और परमेश्वर परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र ऐसे टाइम पर आए आज से दो हजार साल पहले जहां राजाओं का काल था और जिसके चलते इतिहास लिखा गया जिसके चलते शास्त्र लिखे गए बादशाह सिकंदर जो पूरी दुनिया को जीत जीत कर जब इसराइल पहुंचा और विशेष करके यरूशलेम के मंदिर में तो उसने सबको जीता लेकिन उसने यरूशलेम के मंदिर को हाथ नहीं लगाया जानते क्यों क्योंकि उसने कहा कि यहां का परमेश्वर सच्चा है और यहां के लोगों ने उसकी मदद की थी ऐसा मैंने इतिहास में पढ़ा है तो इसका मतलब क्या है के जितनी भी मैनुस्क्रिप्ट हैं जो लिखे गए थे जिसको कहते परमेश्वर के वचन ओरिजिनल मैनुस्क्रिप्ट आज तो खैर नहीं है आज हमारे पास में कॉपीस ऑफ कॉपीज हैं उस वक्त जो सामग्री जमा करके रखा था शास्त्रों का वो राजाओं महाराजाओं और उस वक्त के नभी शास्त्रियों और उस वक्त के परमेश्वर के लोगों ने जमा करके रखा था नभुक के राजा के टाइम पे दानियल ने भी बहुत सारे ज्योतिषों को इस बात की जानकारी दी थी जिसके चलते मती के दूसरे अध्याय में ज्योतिष ढूंढते ढूंढते यीशु के पास आए थे तो इन सभी बातों को नीतिवचन कहता है और नीति वचन का लिखने वाला कौन है खुद राजा राजा सुलेमान किंग सोलोमन वो खुद कहता है परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बातों के पता लगाने से होती है आइए पता लगाते हैं एक ऐसा राजा था जिसकी एक पत्नी थी और राजा का नाम था पिलातुस और उसकी पत्नी लिखा है कि जब वह यानी ब्रैकेट में पिलातुस नहाय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है यह किसकी पत्नी है राजा की पत्नी है क्या प्रकट कर रही है वो धर्मी है अब इसको देखिए एक राजा और था जो इजिप्ट का था फिर का, मिस्र का फिर निर्गमन 18 का 11 एक्सडस चैप्टर 18 वर्स 11 लिखा है कि अब मैंने जान लिया है कौन कहता है राजा कहता है फिरौन कहता है अब मैंने जान लिया है जानना चाहते है? क्या जान लिया है? कहता है कि यह सब देवताओं से बड़ा है आप गूगल में जाइए विकीपीडिया जाके टाइप करिएगा कि इजिप्ट में कितने देवता होते थे मोर देन टू थ्री थाउजेंड और उनका जो देवता है उसमें मेंढक होते थे उसमें सांप होते थे उसमें उखाप होता था उसमें गाय का बछड़ा होता था तो ऐसा व्यक्ति जिसने जो खुद को राजा कहता है मिस्र का वो कहता है कि मैंने जान लिया है तो गुप्त बातें राजाओं के काम क्या है गुप्त बातों को प्रकट करने में महिमा अब इसको देखे नबुकत ने सर नबुकत ने सर इंग्लिश में और हिंदी में रखा हूं इस व्यक्ति ने क्या कहा था सुनिए कहता है दानियल का चार का चौंतीस में उन दिनों में उन दिनों के बीतने पर मुझ नबुकत ने सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई ऊपर परमेश्वर की तरफ और मेरी बुद्धि फिर जय की हो गई तब मैंने को धन्य कहा जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा उसकी प्रभुता सदा की है उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है आपको पता है ना यह व्यक्ति कौन है यह व्यक्ति वही है जो इसी किताब के तीसरे अध्याय में इसने सोने की मूर्ति बनाई और उसने कहा कि जब जब घंटी बजेगी या बाजा बजेगा या तुरी बजेगी या जो भी सिग्नल होगा आप लोगों को मूर्ति को दंडवत करना है उसके बाद में परमेश्वर ने उसको जानवर बना दिया था यह घास खाने लगा था जानवर की तरह रेंगने लगा था पागल हो गया था तब जाकर कहता है कि मुझ नबुकद ने अपनी आंख स्वर्ग की ओर उठाई मेरी बुद्धि फिर से जय की तय हो गई मतलब मैं पागल से ठीक हो गया इसको पता चल चुका था कि सच्चा परमेश्वर कौन है अब बात करते हैं राजा दाऊद की जानते हो ये क्या कहता है भजन सहिता 19 का एक से वचन 6 तक देखो क्या लिखा है आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है दिन से दिन बातें करता है रात को रात ध्यान सिखाती है ना तो कोई बोली है ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता फिर भी उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है उनका वचन जगत की छोर तक पहुँच गया है उनमें उसने सूर्य के लिए एक बड़ा मंडप खड़ा किया है जो दुल्हे के समान अपने कच्छ से निकलता है शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है वह आकाश की और, और वह उसकी दूसरी छोर तक चक्कर लग मारता है उसकी गर्मी से कोई नहीं बच सकता दूसरे शब्दों में यह व्यक्ति कहता है कि जिसका नाम है राजा दाऊद वो कहता है कि एक ऐसा परमेश्वर है जिसको मैं जानता हूं जिसने यह पूरी कायनात बनाई है जिसने यह पूरी दुनिया बनाई है वह तो जिसके चलते मैंने क्या रखा था आपके बीच में मैंने रखा था कि परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है तो जिसके चलते पिलातुस फिरहुन का राजा आया और उसके बाद नबुकत और उसके बाद में राजा धाऊत आपके बीच में रखा इन सभी ने और ऐसे ना जाने कितने हैं और कितने लोग ऐसे उन दिनों में थे जिनकी हिस्ट्री अगर मैं निकालकर यहां पे रखूँ तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कई लोग या कई ज्ञानी जिन्होंने परमेश्वर के होने का पक्का प्रमाण दिया है, तो जिसके चलते नीति वचन वाला यह बात को रख पाया ना बहुत बारीकी से पढ़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि परमेश्वर एक है बाइबल के अंदर पवित्र शास्त्र में लिखा है कि बारीकी से पढ़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि एक परमेश्वर है एक ही परमेश्वर है लेकिन तीन व्यक्तित्व में इन थ्री पर्सनैलिटीज वी सर्व वन गॉड बट इन थ्री पर्सनैलिटीज पिता पुत्र पवित्र आत्मा पिता कौन है परमेश्वर है पुत्र कौन है परमेश्वर है पवित्र आत्मा कौन है परमेश्वर है और ये तीनों के तीनों शुरू से थे हैं और रहेंगे कहाँ से पता चला इस पुस्तक से जिसको हम कहते हैं बाइबल उत्पत्ति एक एक में आपको साबित करूंगा कि ये तीनों हैं जिसको कहते हैं परमेश्वर एक है लेकिन व्यक्तित्व में तीन आदि में परमेश्वर ने तो जब हम इबरानी भाषा में पढ़ेंगे तो वहां एलोहीम है और एलोहीम का मतलब होता है तीन पिता पुत्र पवित्र आत्मा दूसरा उत्पत्ति एक शब्द से यहां लिखा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी लिखा है हम अपने अपनी यह सब कौन सा फॉर्म फॉर्म है है प्लूरल ग्यारह का साथ इसलिए आओ हम ये जो शब्द है ना लेट अस हम हम ये कब हुआ था मैं उसको भी रखूंगा यह तब हुआ था जब भाषाओं में गड़बड़ी डालना था तो परमेश्वर ने खुद को यहां पे हम यूज किया। ये शाया छे का आठ मैं किसको भेजू और हमारी और से कौन जाएगा हमारी ये कौन से फॉर्म से, से? ठीक है ना उत्पत्ति अठारह का दो जब अब्राहम ने अपनी आंख उठाई तो उसने क्या देखा तो दृष्टि करके क्या देखा कि तीन पुरुष उसके सामने करे तीन पुरुष और इसके ठीक आगे का वचन कहता है कि वो उनके पैरों पर गिरा दंडवत किया वर्षिप किया कुछ मूर्ख लोग अधूरे ज्ञान के सेवक जो हमारे बीच में भी थे एमएमबी में हमने उसको गेट आउट कर दिया गलत शिक्षा के चलते क्योंकि गलत बकवास कर रहा था ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये तीन स्वर्गदूत हैं ओके ठीक है अगर स्वर्गदूत हैं तो स्वर्गदूत के पैर छू रहा है अब्राम स्वर्गदूत रोक नहीं सकते क्या उन्होंने रोका नहीं रोका जैसे प्रकाशित वाक्य 19 का 10 में स्वर्गदूत ने रोका योहन्ना को और ऐसे पूरे बाइबल के अंदर कभी भी कहीं भी किसी भी स्वर्गदूत ने अपने पैर छुलवाने के लिए किसी को इजाजत नहीं दी किसी को इजाजत नहीं दी अंडरस्टैंड तो जिसके चलते यहां पर लिखा है कि अब्राहम उनके उनको दंडवत करता है, और वहां पे तीनों स्वर्गदूत को बाद में वचन एक कहता है कि यह ने दर्शन दिया टोटल 18 चैप्टर पढ़ोगे ना तो कॉन्टेक्स्ट में आपको परमेश्वर दिखेगा एनी anyway, वे इसके ऊपर भी बात कर चुका हूं मला मती तीन का सोलह यहां तीनों मिलेंगे आपको उसने कौन है ये यीशु पानी का बापतिस्मा लिया तो उसने परमेश्वर के आत्मा को पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई उतरते अपने ऊपर आते देखा वचन सत्रह देखो ये आकाशवाणी हुई ये कौन है पिता परमेश्वर ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं तो यहां पुत्र भी है पवित्र आत्मा भी है और पिता भी है तो ये आपके लिए रखा है अब इसको देखिए मत अट्ठाईस का उन्नीस जब तुम जाओगे बाहर दूसरों को बापतिस्मा दोगे तो तीन नाम लेना किसने कहा खुद यीशु ने कहता है कि पहला पिता फिर पुत्र फिर पवित्र आत्मा बैप्टाइज इन फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्प्रिट इन द नेम ऑफ द फादर तो कुछ और भी मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तो यहां पे नाम लास्ट में बट इंग्लिश में नाम पहले इन द नेम तो वहां नेम पहले है तो नेम किसका है फादर नेम किसका है सन नेम किसका है होली स्पिरिट ओके दिमाग में बहुत कुछ हरा लेकिन नहीं जाऊंगा साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जितने लोग अभी देख रहे हैं प्लीज वॉच पार्टी करें और शेयर करें अब इसको देखिए लिखा है कि सच्चे परमेश्वर को जानने का एकमात्र जरिया है बाइबल बाइबल परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र एकमात्र जरिया रखूंगा लिखा है मूसा से लेकर पौलूस तक हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर कैसा है मूसा से लेकर पौलूस तक क्योंकि मूसा यहूदियों को एजुकेट करता है पौलूस अन्य जातियों को एजुकेट करता है क्या गजब के लोग थे ये लोग बहुत बारीकी से एक एक चीज को परमेश्वर का क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे ये लोग वेल एजुकेटेड well बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग थे तो बारीकी से लिखा मूसा की पांच पुस्तकें योद्धाओं और राजाओं की पुस्तकें भजनों की पुस्तकें नबियों की पुस्तकें सुसमाचार की झार पुस्तकें प्रेरितों की सब पुस्तकें इन सब पुस्तकों को पढ़ने के बाद आपको परमेश्वर कैसा है पता चल जाएगा जिसके चलते एक वचन आपके सपोर्ट के लिए रख रहा हूं दूसरा सौ तीन का सोलह लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है परमेश्वर की प्रेरणा से उपदेश समझाने सुधारने धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है तो इन सब की पुस्तकों ने आपको क्या किया समझाया इन सब की पुस्तकों ने आपको क्या किया सुधारा इन सब की पुस्तकों ने आपको क्या किया धर्म की शिक्षा दी तो आपको पुस्तकों से इस बाइबल से ही पता चलेगा कि परमेश्वर कैसा क्यों क्योंकि परमेश्वर ने आदम से लेकर नू तक नू से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक जॉन द बैप्टिस्ट से लेकर ये तक ये से लेकर पौलूस पत्रस तक इन सबको प्रकट किया जाकर बताओ परमेश्वर कैसा है परमेश्वर की मर्जी क्या है परमेश्वर चाहता क्या इन सब बातों को वाह कैसा लग रहा है ओके ना इन ही पुस्तकों का सहारा यीशु और पौलुस ने भी लिया सच्चे परमेश्वर को समझाने के लिए कैसे आइए पढ़ते हैं लुका 24 का 44 यीशु भी पुस्तकों का सहारा लेता है और कहता है कि पढ़ो फिर उसने उनसे कहा ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था भविष्य वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो किसका सहारा लिया इन सब का सहारा लिया किसने खुद यीशु ने क्या करने के लिए आपको और मुझको समझाने के लिए बहुलस क्या कहता है पहला पंद्रह का तीन फिफ्टीन थ्री इस कारण मैंने उन सब से पहले तुम्हें वो बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार या वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया वाह जिसको बहस करना है ना आप करिए यीशु कैसे परमेश्वर हो सकता है यीशु कैसे गॉड हो सकता है अच्छे अच्छे आए और अच्छे अच्छे चले गए बकवास मत किया करो। you understand? कुछ ऐसे नमूने हैं मार्केट में आजकल जो कहते हैं कि यीशु शु कैसे हो सकता है अरे तुम्हारे पूर्वज लोग मान के मर गए तुम अभी अभी आए हो बेटा या जब मरकर ऊपर जाओगे ना तो अपने दद्दू से पूछना अपने बाप दादाओं से पूछना कौन था सच्चा परमेश्वर वो बताएंगे बहस मत किया करो अगर बात को नहीं समझना है ना चुप रहा करो अपनी मनमानी करना है ना तो चुपरा करो उज्जत मत किया करो और बीच में अपनी टांग मत डाला करो मैं उन सब से बात कर रहा हूं जो शास्त्र को समझते नहीं है आप में से कुछ लोग अभी मुस्लिम्स या हिंदू या फिर बौद्धिस्ट या पारसी या कोई और जाति का मुझे सुन रहा होगा मैं आप सभी को साफ लाइन में कहना चाहता हूं सब बर्दाश्त है और आपको सब माफी है लेकिन उसके साथ टक्कर माफी नहीं है उसके खिलाफ बातें माफी नहीं है क्योंकि वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है ओके okay, अगर मूसा नहीं लिखता तो कैसे पता चलता मनुष्य कैसे बना दुनिया कैसे बनी चार हजार साल का इतिहास कैसे रहा कैसे पता चलता मूसा को इस्तेमाल किया तब तो पता चला ना या कैसे पता चलता अगर पहलूस नहीं लिखता आत्मा की बातें कलिसिया की बातें न्याय की बातें इन्होंने लिखा तब जाकर तो हमको पता चला ना अब बात करते हैं दुनिया क्या कहती है परमेश्वर को लेकर ओके okay? बहुत ध्यान से सुनेगा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग गॉड लोगों का क्या है परमेश्वर के प्रति ये देखते हैं पहला, पहला कहते हैं नो no गॉड दूसरा और मेनी गॉड्स इनका कॉन्सेप्ट क्या है कुछ कुछ तबका कुछ, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कहते हैं यस देर इज अ गॉड और कुछ ऐसे इज नो गॉड परमेश्वर है ही नहीं और भजन संहिता में दाऊद कहता है मूर्ख है जो कहता है कि परमेश्वर नहीं है तो जिसके चलते आज हम दो तरह के लोगों का सामना करते हैं एक होते हैं नास्तिक और दूसरे होते हैं आस्तिक नास्तिक का मतलब आप समझते हैं वो जो परमेश्वर को मा नहीं मानता आस्तिक वो जो परमेश्वर को मानता है अब कैसे मानता है वो भी रखूंगा कैसे नहीं मानता है वो भी रखूंगा ठीक है ना अब इसको पढ़िए एक बहुत बड़ा सत्य एक बहुत बड़ा सत्य आपको मानना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर आपको मानना पड़ेगा पास डैनियल वो सत्य क्या है जिसको आप इतना जोर दे रहे हैं ध्यान से देखिए आज सौ करोड़ लोगों की पधन हुए बाप ब्रैकेट में आदम से हुई है माय गुडनेस आपने नहीं सुना वापस पड़ू लिखता है एक बहुत बड़ा सत्य आपको मानना ही पड़ेगा आज सौ करोड़ लोगों की पैदाइश पतन हुए भाप ब्रैकेट में आदम से हुई है तो इसका मतलब क्या है इसको देख लीजिएगा पतन हुए इन दोनों से ही हमारी पैदाइश हुई है जिस दिन परमेश्वर ने इनको बनाया था ये सही थे इनकी अकल सही थी कैसे साबित होता है ये वही आदम है जिसने पूरी दुनिया के जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे फल फ्रूट्स सब्जी सब के नाम रखे आज आप जिसको हाथी कहते हो ना इसने रखा था नाम आप जिसको आप शेर कहते हो ना इसने नाम रखा था आप जिसको प्याज और टमाटर कहते हैं ना इसने नाम रखा था आप दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ना जो जमीन से उठती है आसमान में उड़ती है जमीन पे चलती है इसी ने नाम रखा था इतना अकल वाला था लेकिन जब इसने गलती की जब इसने गलती की और जब इसके साथ में पाप हो गया तो यह पतन के गिनती में आ गया इसका पतन हो गया ये गया जब इसने पहला कदम पृथ्वी पर रखा था ना धन के वाटिका से बाहर पहला कदम तो ये पापी हो गया था उसके बाद कदम रखा इसका दिमाग भ्रष्ट हो गया था उसके बाद इसने कदम रखा ये इसको परमेश्वर ने धन की वाटिका से गेट आउट कर दिया था ये कौन है साहब ये हमारे आदि मानव माता पिता है जिसको कहते हैं कि परमेश्वर ने पहला पुरुष और पहली औरत बनाया बंदर नहीं बनाया साहब बंदर पहले से अंदर था क्योंकि बंदर पहले बना जो अंदर गया आदम वो बाद में बना और बंदर को बंदर नाम इसी ने रखा जो अंदर गया यू अंडरस्टैंड आपको समझना होगा मैं फिर से पढ़ूंगा क्योंकि ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है आज सौ करोड़ लोगों की पैदाइश पतन हुए बाप से हुई है जो खुद पतन हो गया है जिसका खुद पापी स्वभाव हो गया है जो सत्य के परमेश्वर को ठुकरा के बैठा है ऐसे ऐसे झीन से ऐसे बीज से ऐसी लहू से या ऐसी रगों से आप और हम 800 करोड़ लोग पैदा हुए आज की तारीख में पॉपुलेशन कितना है पूरे दुनिया का 800 करोड़ करोड़ बताइए तो जिसके चलते लिखा है कि पतन हुए इन दोनों से हमारी पैदाश हुई है आपको बताए क्या हुआ आदम से लेकर नूह तक जो कि बाइबल की, की बातें हैं आपको ध्यान से सुनना होगा मात्र 1600 सो सालों में ही यह शब्द भूल बैठा परमेश्वर मात्र 1600 सो साल में मतलब आदम को बनाने से लेकर नूह तक पहुंचने तक इतिहास कहता है हिस्ट्री कहती है कि 1600 सो साल का गैप है इन 1600 सो सालों में इनके द्वारा जिनसे इनसे जिनसे औलादें पैदा हुई थी जो माँ बाप पतन हो गए हैं उनसे जो औलादें पैदा हुई थी परमेश्वर के मुंह से यह शब्द निकल बैठा या परमेश्वर अपने मुंह से यह शब्द निकाल बैठा यह ने देखा कि मनुष्य की बुराई किसकी बुराई जो इनसे पैदा हुए हैं उन मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है और यह पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ मात्र 1600 सो साल के अंदर अब आप सोच के देखें कि पतन हुए औलादे जो पैदा हुए थे उनके द्वारा उन्होंने पृथ्वी को कितना गंदा कर दिया था आज से चार हजार साल या साढ़े तीन हजार साल या जो भी बोल लो आप लोग कितना गंदा कर दिया था या साढ़े चार हजार साल कितना गंदा कर दिया था और इतना गंदा कर दिया था कि परमेश्वर कहता है कि मैं पछता रहा हूं इसको बनाकर किसको इन दोनों को और इनसे जो औलादे पैदा हुई उनको सोच के देखिए जिसको आज हम परमेश्वर कहते हैं वो दुखी था तब अभी भी क्योंकि वही औलादे अभी भी है मैं रखूंगा आगे और फिर परमेश्वर ने क्या कहा उस वक्त याद रखो और जितने मसी लोगे आप भी सुनिएगा मसी मंथन के लोगों आप भी सुनिएगा अगर परमेश्वर सोलह सौ साल के बाद नू के द्वारा और सिर्फ नूह को बचाकर उन सब को खत्म नहीं करता आज पृथ्वी कैसी भयानक हो जाती इसकी कल्पना तक करना भयंकर हो जाता तो जिसके चलते छे का सात जेनेवन तब यह ने सोचा मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा लेकिन शुक्र है कि बीच में नूहा मिल गया और नूह के द्वारा उसके टोटल आठ लोगों को बचाया नहीं तो पूरी की पूरी पृथ्वी फिर से खत्म होती और वो आदम और हवा पूरे खत्म हो जाते आप और हमारा अस्तित्व तक नहीं रहता और लिखा है इसी के साथ के तेईस में क्या मनुष्य क्या पशु क्या रेंगने वाले जंतु क्या आकाश के पक्षी जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए सब पृथ्वी पर से मिट गए क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैं मनुष्य को मिटा दूंगा अगर ये नहीं मिटते आज की दुनिया कुछ अलग होती समझिए जैसे ही नू बाहर निकला ये उसके तीन पुत्र थे जानते हो एक व्यक्ति मैं नाम रखूंगा उसकी हरकत के चलते एक और लाइन निकली आइए रखते हैं उत्पत्ति नौ का बाईस तब कन्हान के पिता हाम इसका नाम है हाम ने तब पिता तब कन्हहान के पिता हाम ने जो कि लाइन ऑफ निमरोध एक ऐसा व्यक्ति रखूंगा अभी जो पृथ्वी का शक्तिशाली शिकारी था उसका नाम है निमरोध लिखता है कि तब कनहान के पिता हमने लाइन ऑफ निमरोध अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया तब दोनों भाइयों ने चादर को पीछे की तरफ रखकर उल्टा जाकर अपने पिता के तन को ढका अब इसका टोटल कॉन्टेक्स्ट ऐसा कुछ पता चलता है कि जो हम है ऐसी कुछ पाप ऐसा कोई गलती ऐसी कोई गड़बड़ी जो कि बाइबल साफ साफ नहीं बताती है बस इतना ही बताती है और जिसके चलते इसी के वंश से हाम के हम से वंश से माफ करें यह व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम है निम्रो द ग्रेट हंटर बड़ा शिकारी महान शिकारी और इसी व्यक्ति ने यह बनाया जिसको कहते हैं बाबुल बेबीलोन और आप सभी जानते हैं कि बाबुल बेबीलोन का मतलब होता है मूर्ति पूजा का बड़ा नगर मूर्ति पूजा का बड़ा नगर उत्पत्ति दस दस उसके राज्य का आरंभ शिनहार देश में बाबुल एकद और न, कलने हुआ कलने हुआ लुसीफर शैतान ने आदम के द्वारा जो बीज पाप का डाला था इसके द्वारा और फैला जब यह सब कुछ हो रहा था ना उत्पत्ति 9 का इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में से जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने यहीं डाली और वहां से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया पूरी पृथ्वी पर फैल गए और जिसके चलते क्या हुआ पता है जरा देख लीजिएगा जैसी भाषा वैसे लोग जिसकी जैसा जिसको जैसा लगा वैसा कल्चर तो वापस पढ़ते हैं जैसी भाषा वैसे लोग और जिसको जैसा लगा वैसा कल्चर और फिर बनाने लगे अपने अपने हिसाब से मूर्तियां और आज तो हालत ऐसी है कि लोग सुनना तक नहीं चाहते कि क्या सही है और क्या गलत है तो जिसके चलते भाषा बदली लोग बदले लोग बदले कल्चर बदला कल्चर बदला अपने अपने हिसाब से उनको जैसा ठीक लगा उन्होंने अपने हिसाब से मूर्तियां बनाई लेकिन इन सब के बीच में परमेश्वर गायब हो गया इन लोगों के लिए और आपको पता है आज हालत कैसी है ये तो हमारे पूर्वजों का मूर्ति है यह तो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है तो आपके पूर्वज जो है ना मैं वापस पीछे जा रहा हूं आपका पूर्वज ऐसा था साहब ये था आपका पूर्वज जो खुद पतन हुआ है उसकी जो औलादे हैं वो सत्य के परमेश्वर को कैसे जानेंगे और जिसके चलते परमेश्वर को पृथ्वी को तबाह करना पड़ा और तब जाकर यह हालत हो गई कि पूरी पृथ्वी पर लोग फैल गए क्योंकि भाषा अगर परमेश्वर भाषा नहीं डालता तो परमेश्वर को फिर से पृथ्वी को तबाह करना पड़ता जैसे नूह के दिनों में यह तो शुक्र है कि उनको फैला दिया और जैसे जैसे फैलते चले गए लोग अपने अपने हिसाब से कल्चर बनाते चले गए जब कल्चर बनने लगा तो सबके हिसाब से अपने अपने लोगों ने ईश्वर ढूंढ लिए क्योंकि परमेश्वर उनके पीछे नहीं था और ना ही परमेश्वर उनसे बातें करता था ना कोई ऊपर से स्वर दूध जाकर उनसे बातें करता था ना किसी प्रकार की कोई किताब उनको दी जाती थी वो अपने मर्जी के मालिक थे बिन लगाम घोड़ा खुला सांड ये बोल सकते हैं आप और जिसके चलते क्या हुआ ऐसी हालत हो गई कि सबको जिसको कहते हैं ना कि कॉन्क्रीट बन गया अभी यही सही है क्योंकि मेरे पिताजी मानते थे पिताजी कहते यही सही है क्योंकि मेरे पिताजी मानते थे और ऐसे करते 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 आप चले जाओ पतन किए हुए दोनों के पास जिसका नाम है आदम और हवा आपको पता है इसके बीच में क्या हुआ इसके बीच में आता है उत्पत्ति बारा जो मैंने नहीं रखा बट आपको मैं यूं ही समझा देता हूं एक व्यक्ति को ढूंढा उसका नाम था अब्राहम और परमेश्वर ने कहा कि मैं लोगों से तो बात नहीं करूंगा लेकिन मैं तुझसे बात करूंगा और अब्राहम और उसके माता पिता परमेश्वर को नहीं जानते थे वे भी मूर्ति बनाते थे वे भी मूर्तियों की आराधना करते थे लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना और कहा कि बाप का घर छोड़ सब कुछ छोड़ मैं जब कहता हूँ मेरे पीछे चल और उसके द्वारा एक राष्ट्र बनाया और वो राष्ट्र का नाम था इसराइल और इसराइल से परमेश्वर ने कहा मेरे बेटे को भेजूंगा जिसका नाम है मसीहा जानते हो अद्भुत बात क्या है यहां पर कहां पर यहां पर अद्भुत बात क्या है पता है परमेश्वर ने मनुष्य बनाया लेकिन परमेश्वर को यह नहीं पता था कि इसी मनुष्य को बचाने के लिए मुझे मनुष्य बनना पड़ेगा ओ, -ओ वापस बोलू परमेश्वर ने मनुष्य बनाया लेकिन परमेश्वर को यह नहीं पता था कि इसी को बचाने के लिए मुझे मनुष्य बनना पड़ेगा हाँ यह बात अलग है कि परमेश्वर को सब पता है ब बात को समझिए मनुष्य को बनाया मनुष्य को बचाने के लिए खुद मनुष्य बन गया और यीशु मसीह को पैदा होना पड़ा उत्पत्ति बारा अध्याय में एक राष्ट्र को तैयार किया वो राष्ट्र का नाम है इसराइल और उसका एक लीडर था और वो लीडर का नाम है अब्राहम लेकिन लोग क्या हो गए ऊपर पढ़ लीजिएगा परमेश्वर का क्रोध इसराइल को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया तब भी और अब भी परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति अधर्म पर स्वर से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं इस कारण परमेश्वर के इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढाई धन्यवाद ना किया परंतु व्यर्थ विचार करने लगे यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए क्यों? क्योंकि उनको लगा कि हम जो लकड़ी का पत्थर लकड़ी का पत्थर का प्लास्टिक का लोहे का सोने का चांदी का मूर्ति जो बना रहे वही परमेश्वर है लेकिन परमेश्वर कहता है मूर्ख हो तुम लोग वाह उत्पत्ति इसी का तय सद्या अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य पक्षियों और छोपाई और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करने लगे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला सृष्टि की उपासना और सेवा की ना कि उस जनहार की जो सदा धन्य है सबकी सबकी आराधना की सबकी मूर्ति बनाई क्यों मैं आपको बता चुका हूं भाषा बदल गई कल्चर बदल गया कल्चर बदल गया लोग बदल गए लोग बदल गए मूर्तियां बदल गई ईश्वर बदल गया गॉड बदल गया, गया, गया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया याद रखो परमेश्वर का एक सीधा साधा स्वभाव है स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो चीज गलत है उसके साथ नहीं जाएगा जो सही है उसके साथ जाएगा सिंपल लिखा है उसको छोड़ दिया यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला औरत औरत के साथ और पुरुष पुरुष के साथ वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलन लगने जल जल जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्जल निर्लजित का काम करके अपने भरम का ठीक फल पाया सदम और गमोरा अभी रखूंगा सोच के देखिए क्या हो गए वचन अट्ठाईस जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें परमेश्वर ने कहा टाटा बाय बाय मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ यह है परमेश्वर का स्वभाव जिसको हम परमेश्वर कहते हैं ना इसको पढ़िए पूरी दुनिया में सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी मैं आगे रखूंगा कि थोड़े से लोगों के कारण परमेश्वर अभी तक दुनिया को बचा के रखा नहीं तो यह दुनिया कब की खत्म हो जाती क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस अद्भुत टीचिंग को क्या आपके दिमाग में बातें जा रही हैं ऐसी बातें आपको सिवाय बाइबल के कहीं नहीं मिलेंगी तो इसको फिर से पढ़ रहा हूं कि पूरी दुनिया में सच्चे परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है नहीं तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी सदअर अमोरा यहां परमेश्वर नहीं था इनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं था तो जिसके चलते लेकर जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे लेकिन इस शहर को देखिए जिसका नाम है नगर का एक लाख बीस हजार का पॉपुलेशन सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे यहां पे भी सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम था योना का प्रचार और सच्चा पश्चात जब यहां पर हुआ तो आप देख लीजिएगा सारे के सारे टाटोड़ कर राख पे और घुटने पर आकर पश्चताप करें सच्चे परमेश्वर को पहचान ना तो नगर बच गया इन दोनों शहरों में फर्क क्या है सदम और गमोरा और निनवे इन दोनों शहर में एक ही अंतर था सच्चे परमेश्वर की पहचान जिसने पहचाना वही बचा तो आज हमारी दुनिया कैसे बचेगी आपको पता है जब वायरस फैल रहा था ना सबके सब डर सब गए सबके दिमाग में एक ही बात रही हो क्या रहा है हो क्या रहा है सोच के देखिए अगर परमेश्वर ने फिर से यही हर हिला दिया दुनिया को क्या होगा सोच के देखिए इसलिए वक्त रहते बच जाओ यशाया एक का नौ रोमियो एक नौ का 29, ये स्क्रिप्चर्स मतलब दोनों एक ही है क्या कहता है देखो यदि सेनाओं का यह हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता तो हम सदम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते आग घिरा कर उस पूरे शहर को खत्म कर दिया था परमेश्वर ने यह आपके बाइबल का इतिहास है इस प्लेनेट पर मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य एक ही है क्या है वो सच्चे परमेश्वर को पहचानना सच्चे परमेश्वर को पहचानना सब उपदेशक बारह का तेरा सब कुछ सुना गया अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान उसकी आज्ञाओं का पालन कर क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है आप जब पैदा होते हैं ना आपको सच्चे परमेश्वर को पहचानना है यू अंडरस्टैंड एक मनुष्य का जन्म लेने के बाद पहला काम सच्चे परमेश्वर को जानना और उसकी सेवा सेवक बनकर उसकी सेवा करना जितने लोग मसीह बनते हैं ना आपका यही काम है आपको परमेश्वर के राज्य के लिए ऐसा ही जीना है ना दोस्तों वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा तेज भाग रहा हूं या जल्दी बता रहा हूं दो कॉन्सेप्ट हैं परमेश्वर को लेकर आपको बता देता हूं पहला कॉन्सेप्ट मनुष्य ने खुद अपने परमेश्वर बनाकर मनुष्यों पर प्रकट किया दूसरे शब्दों में थोप दिया यह है परमेश्वर इसी को मानो यह है लकड़ी यही है परमेश्वर जैसे इलियो ने कहा कि गाय का बछड़ा बनाओ और लोगों को कहो यह है हमारा देवता याद होगा आपको निर्गमन बत्तीस के अध्याय में ठीक है दूसरा परमेश्वर ने खुद को मनुष्य पर प्रकट किया तो एक परमेश्वर कैसा है जो इंसानों ने बनाया दूसरा परमेश्वर का क्या है जो खुद परमेश्वर ने मनुष्यों को बताया मैं हूं परमेश्वर यू अंडरस्टैंड रोमियो का ऐसा क्यों मतलब मनुष्य परमेश्वर बना पा रहा ऐसा क्यों उसका जवाब यह है रोमियो एक का उन्नीस इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान किसके पास है उनके मनों में प्रकट है इंसानों के पास है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है माय गुडनेस हर इंसान को पता है चाहे कितना बड़ा भी डाकू आतंकवादी नक्सलाइट कोई भी क्यों ना मर्डरर खतरनाक से खतरनाक कत्ल करने वाला उसके अंदर उसका जमीर कहता है कि ऊपर वाला देख रहा है ऊपर वाला देख रहा है ऊपर वाला, वाला सजा देगा ऊपर वाला मार दे ऐसा उसके दिमाग में बात आती है इस वचन के मुताबिक तो जिसके चलते सबसे पहले बात करते हैं मनुष्य के बनाए हुए परमेश्वर के कॉन्सेप्ट की आज ये किस किस को परमेश्वर कहते हैं दुनिया भर में जो मनुष्य द्वारा बनाए हुए नंबर वन खुद का परमेश्वर दूसरा परिवार का परमेश्वर तीसरा पति का परमेश्वर दोस्तों का परमेश्वर या दोस्त का परमेश्वर समाज का परमेश्वर पत्थर का परमेश्वर लकड़ी का परमेश्वर लोहे का परमेश्वर प्लास्टिक का परमेश्वर सोने चांदी का परमेश्वर जानवरों के रूप में परमेश्वर जीव जंतु के रूप में परमेश्वर पक्षियों के रूप में परमेश्वर मनुष्यों के रूप में परमेश्वर सृष्टि के रूप में परमेश्वर मनुष्य ये सब क्यों बना पाया क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन में प्रकट किया एक परमेश्वर है तो इनका जो दिमाग है ना अच्छा आया कहां से ये दिमाग पतन किए हुए बाप के औलादे हैं ऐसे बच्चे जिनका बाप का पतन हुआ है बाप कौन है आदम इसलिए मनुष्यों ने अपने अपने तरीके से परमेश्वर बना लिए रोमियों का एक का तेईस और एक का पच्चीस रख रहा और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य सबसे पहला परमेश्वर कौन बना खुद इंसान बना मुझे पूजो मैं तू तुम्हारा परमेश्वर मैं हूं बाबा मैं हूं गुरु मैं हूं अपोस्तल मैं हूं बिशप मैं हूं प्रॉफिट यू अंडरस्टैंड मेरे पैर छुओ मेरा हाथ अपने हाथ पे रखो सी मनुष्य पक्षियों चौपाए रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला पच्चीस क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य तो सृष्टि की पूजा की ये देख लो सृष्टि क्या ये परमेश्वर हो सकते हैं यही तो लिखा है ये सब परमेश्वर कैसे हो सकते हैं सोच के देखिए आप ना लेकिन आज छह हजार सालों में मनुष्य करोड़ों परमेश्वर बनाने में कामयाब हो गया और यह सिलसिला अभी भी चल रहा है अभी भी चल रहा है एक पुस्तक है जिसका नाम है द ग्रेट द सीक्रेट बुक सीक्रेट बुक आपने देखा गुल पे जाके देख लेना रोंडा इसका नाम है इसने बुक को पब्लिश किया था 2006 में नवंबर 26 तारीख को इसकी बुक जो है ना वो सोल्ड हुई है 30 मिलियंस कॉपीज वर्ल्ड वाइड और 50 लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेशन किया गया सोच के देखे कितना फेमस हुआ है यह बुक ये पुस्तक कहती है सब परमेश्वर है मनुष्य परमेश्वर है जानवर परमेश्वर है पक्षी परमेश्वर है जीव जंतु सारी सृष्टि परमेश्वर है ये इस पुस्तक में लिखा हुआ है पुस्तक यह भी कहती है कि हम अपनी दुनिया बना सकते हैं अपने तरीके से कैन यू बिलीव दिस ये है इंसान ये पुस्तक कहती है आपको जो भी चाहिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करो चार तरीके से आप चीजों को अट्रैक्ट करो चार तरीके से नंबर वन आई नो व्हाट आई व्हाट यू वांट Uh, कहता है नो वॉट यू वॉन्ट आपको जानना है कि आपको क्या चाहिए नो वट यू वॉन्ट दूसरा बिलीव बिलीव यू विल गेट इट विश्वास करो आपको मिल जाएगा तीसरा विजुअलाइज आप चीजों को दर्शन में देखो आप चीजों को सपने में देखो चौथा स्पीक इट आउट लाउडली देन एवरीथिंग विल बी योर्स जोर से कबूल करो कहो मुझे मिल रहा है कहो मैं अच्छा हूं कहो चीजें आ रही है कहो मैं अमीर हूं एक वीडियो देखा था आई थिंक अफ्रीका का कोई तो बंदा था कहता है कि आई एम रिच 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 ऐसा चीखते रहो पूरे चर्च को कहा उसने कि चीखो जोर जोर से चीखो स्पीक इट आउट लाउडली नो वॉट यू वॉन्ट बिलीव यू विल गेट इट विजुअलाइज स्पीक इट आउट लाउडली एंड देन एवरी थिंग विल बी योर्स आप सोच के देखियो और इन सब की प्रैक्टिस आजकल की कलिसियों में भी देखी जा सकती है कहते हैं कि मुंह से कबूल करो और आप जो कबूल करोगे वही आपके साथ होगा तो ऊपर बैठा परमेश्वर तोता है ऊपर बैठा परमेश्वर पॉपेट है कटपुतली है आप जैसे नचाओगे नाचेगा क्या मूर्खता कर रहे हो इस अंधेपन को हटाने के लिए प्रोग्राम लगाया मैंने अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की जहां परमेश्वर ने खुद को मनुष्य में प्रकट किया सच्चे परमेश्वर के रूप में पहला करंत दो का दस परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया क्योंकि आत्मा सब बातें वर्णा परमेश्वर की गृढ़ बातें भी जांचता है याद रखो शारीरिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को नहीं समझ पाएगा पहला क्रंथियो उसका दो का चौदाह ध्यान से पढ़िए परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी स्थिति में मूर्खता की बातें ना वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति पर होती है इसका मतलब क्या है जब तक आपके अंदर पतन किया हुआ वाप का बीज चल रहा है याद आ गया ना आदम तब तक आप सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पाओगे इसको कहते हैं शारीरिक व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा सच्चा परमेश्वर कौन है बट परमेश्वर ने खुद को प्रकट किया उसका उसकी के लिए. तो होनी चाहिए जिसको हम परमेश्वर कहते हैं पांच बातें इसको ध्यान से सुना नंबर वन जिसको हम परमेश्वर कहते हैं वो आदि और अंत होना चाहिए दूसरा वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए तीसरा एक वक्त पर हर जगह होना चाहिए चौथा सब कुछ जानने वाला होना चाहिए और पांचवा वो पवित्र होना चाहिए बाकी आप जांचो जांचो बाकी आप ये पांच क्वालिटी होनी चाहिए आदि और अंत सर्वशक्तिमान जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं एक वक्त पर हर जगह अगर वो यहां है तो वहां पे भी होगा सब कुछ जानता हो उसके लिए कुछ भी छुपाना हो एवरीथिंग उसको पता होना चाहिए पांचवा जबरदस्त क्वालिटी है पवित्रता शारीरिक संबंध नहीं की नहीं हुआ नहीं किया या अब मुख्य बात यह क्या है आइए सुनते हैं पूरे बाइबल में कहीं भी और कभी भी परमेश्वर की परमेश्वर की मूर्ति नहीं बनाई गई जिसको हम बाइबल कहते हैं ना कभी कहीं कभी भी नहीं परमेश्वर की मूर्ति कभी किसी ने नहीं बनाई पास्टर डेनियल, तो फिर जीसस की मूर्ति क्या है जिसने बनाई मूर्ख है वो बाइबल इजाजत नहीं देती फिर क्रूस की पूजा वो भी गलत है बाइबल इजाजत नहीं देती इसकी उसकी मूर्ति गलत है बाइबल इजाजत नहीं देती परमेश्वर की मूर्ति कभी किसी ने नहीं बनाई ना अब्राहम ने ना मूसा ने ना याकूब ने ना इस, जो, जोसफ ने ना जीसस ने ना जॉन द बैप्टिस्ट ने ना पीटर ने पॉल ने किसी ने नहीं बनाई और ना ही यहाँ पे आपको किसी प्रकार का क्रॉस किसी प्रकार की यीशु की प्रतिमा और ना ही हमारे ऑफिस में दरवाजे के बाहर आपको किसी प्रकार का कोई निशानी नहीं मिलेगी कि यह क्रिश्चियन ऑफिस है नेवर ये परमेश्वर के किंगडम का ऑफिस है क्या बात है पूरे बाइबल में कहीं कभी और कभी भी वापस पढ़ते पूरे बाइबल में कहीं भी और कभी भी परमेश्वर की मूर्ति नहीं बनाई गई और ना ही किसी मूर्ति से तुलना की गई कंपेयर नहीं किया गया वाह अब एक ऐसा प्रश्न जो हर युग में मनुष्य पूछता है क्या है कि हम बाइबल के परमेश्वर को ही क्यों सही माने अच्छा पांच बातें याद होंगी आपको वो तो आपने ध्यान दिया नहीं परमेश्वर को ही क्यों सच माने वादी है वो है सर्वशक्तिमान है एक ही टाइम पे सब सब जगह रहता है सब कुछ जानता है और पवित्र है जिसको हम गॉड कहते ना ये उसका अर्थ है जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर हिंदी का ट्रांसलेशन सब कुछ को बनाया जो सब कुछ को चलाता है और जो सब कुछ को खत्म कर सकता है परमेश्वर ही है जो सब कुछ खत्म कर सकता है परमेश्वर ही है जो सब कुछ चलाता है परमेश्वर ही है जो सब कुछ बचाता है या yeah. इसको पढ़िए नोइंग अबाउट गॉड एंड नोइंग गॉड बोथ आर डिफरेंट हिंदी में रख रहा हूं परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना दोनों अलग बात है आपने क्या किया पता है परमेश्वर के बारे में जाना है अपने परमेश्वर पर को नहीं जाना है परमेश्वर के बारे में कितना जानते हो वो काफी नहीं है परमेश्वर को जानना जरूरी है तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है परमेश्वर के बारे में पढ़ते हो परमेश्वर के बारे में सुनते हो परमेश्वर के बारे में लिखते हो राइट लेकिन परमेश्वर को कब जानोगे योना सत्रह का तीन अनंत जीवन यह है कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने परमेश्वर को जाने परमेश्वर को जाने यीशु को जाने ऐसा नहीं है कि उसके बारे में जाने वाओ, पास्टर डेनियल यीशु कौन है परमेश्वर पिता को यीशु ने ही प्रकट किया है इस पृथ्वी पर यीशु आया था ना मनुष्य बनकर लेकिन साथ में वो क्या आया था खुद परमेश्वर और परमेश्वर की पहचान लेकर योना चौदह का नौ जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है सी जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा कुलूस एक पंद्रह वह ब्रैकेट में यीशु तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है तो जब यीशु पृथ्वी पृथ्वी थे वो परमेश्वर की बातें करते थे परमेश्वर की पहचान बताते थे परमेश्वर का नेचर ऐसा है परमेश्वर ऐसा है उसको गुस्सा आता है उसको प्यार आता है उसको नफरत है कुछ चीजों से सब बातों को बताया जब आप खुद परमेश्वर को जानोगे या संगति करोगे तब आपको ये सोलह बातें पता चलेगी कौन कौन सी हैं नंबर वन वो एक ही परमेश्वर है ये आपको पता चलेगा वो सत्य है आपको पता चलेगा वो प्रेम करता है आपको पता चलेगा वो क्षमा करता है आपको पता चलेगा वो दया करता है आपको पता चलेगा वो जीवन देता है आपको पता चलेगा वो चंगा करता है आपको पता चलेगा मांगने पर देता है आपको पता चलेगा शांति देता है पवित्र है धर्मी है दयालु है क्रोध करता है निहाय करता है पापियों को नर्क में डालता है धर्मियों को स्वर्ग देता है वाह कैसा लग रहा है दोस्तों परमेश्वर की तुलना दुनिया के किसी भी देवी देवता से नहीं हो सकती किसने कहा इस व्यक्ति ने कहा जिसका नाम था राजा फिर इजिप्ट का फिर का राजा उसने कहा अब मैंने जान लिया कि यह सब देवताओं से बड़ा है परमेश्वर की तुलना किसी से नहीं हो सकती यह आपको समझना बहुत जरूरी है तो जिसके चलते एक व्यक्ति था उसका नाम था एलिया उसने क्या कहा पता कब तक दो विचारों में लटके रहोगे लिखा है एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे यदि परमेश्वर यह होवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो यदि भाल हो तो उसके पीछे होलो लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही या। अब इसको देखिए परमेश्वर के जैसा कोई दूसरा नहीं परमेश्वर के जैसा कोई दूसरा नहीं ना पवित्रता में ना सामर्थ्य में ना किसी और में कभी कभी किसी की तुलना बाइबल के परमेश्वर के साथ कभी नहीं किसी के साथ नहीं कर सकते अब एक ऐसा प्रश्न है जो हम सबको जानना बहुत जरूरी है और वो क्या है मैं आपके बीच में रख रहा हूं ठीक है ना वह है यह क्या परमेश्वर से भी बड़ा कोई और है ओके पास डैनियल आपने सब कुछ कहा लेकिन परमेश्वर से भी बड़ा कोई और है आइए उसका जवाब देते हैं यश आया फोर्टी थ्री का टेन कहता है यहोवा की ये वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो मेरे दास हो जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझ कर मेरी प्रतीति करो ओके okay? अच्छा यह लोग कौन है इसराइली लोग ये लोग कौन है यहूदी लोग तो परमेश्वर ने बाकी किसी को प्रकट नहीं किया इनके ऊपर प्रकट किया क्यों ताकि यही वो गवाह है यही तो लिखा है ना कि तुम मेरे साक्षी हो मैंने खुद को तुम पर प्रकट किया मैं आपको और एक बात बताऊं परमेश्वर अगर चाहता ना आपको और मुझको बिना बताए सब कुछ खत्म कर देता लेकिन नहीं क्योंकि वो प्यार करता है वो माफ करता है इसलिए उसने हमको जांच दिलाई खुद की पहचान कराई तो इसराइलियों को कहता है कि तुम साक्षी हो मेरे दास हो मैंने तुमको चुना ही इसलिए और तुमने समझ कर मेरी प्रतिति करी या करो और ये जान लो कि मैं वही हूं मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा बजनी चाहिए प्रभु की महिमा के लिए कैसा लग रहा है दोस्तों क्या गजब है नहीं सत्य की तरफ जाओ आंखें खोलो बात को समझो इफिसियो चार का सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है यह बात पौलूस कहता है याकूब दो का उन्नीस इंसान छोड़ो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं एक ही परमेश्वर है और वो सच्चा परमेश्वर है और लिखा है कि कुछ लोग कह है? लो कहते हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पुराना है क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुराना मूर्खता की बात है भूल में पड़े हो धोखे में पड़े हो आइए पढ़ते हैं भजन संहिता नब्बे का दो कहते हैं इससे पहले के पहाड़ उत्पन्न हुए वे वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की वरना ईश्वर है अब बताओ <laughs> you understand? जिसको तुम पहाड़ कहते कहते हो नदी कहते हो नदी आकाश कहते हो पृथ्वी कहते हो इन सब के पहले मेरा और आपका परमेश्वर है पहला पत्र बीस उसका ध्यान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था सृष्टि को बना भी नहीं था तब से है अब उस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है उसका ज्ञान आपके ऊपर प्रकट हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। मीका पांच का दो हे प्रता यदि तो ऐसा छोटा है यहुदा के हजारों में गिना नहीं जाता तो भी तुझमें से मेरे एक पुरुष निकलेगा ये जो इसराइल में प्रभुता करने वाला होगा उसका निकलना प्राचीन काल से वरना अनादिकाल से होता है अब पता लगाओ प्राचीन काल अनादि काल ओके और एक दे रहा प्रकाश पृथ्वी के, तेरा के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए जो जगत की कुछ लोग क्या कहते हैं दो हजार साल पहले मूर्खता तीतु से कदो उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ नहीं बोल सकता सनातन से की सनातन अब अंत में अगर ऐसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया तो क्या होगा जिसकी मैंने आपको इतनी बातें बताई अगर इस परमेश्वर को आपने नहीं ढूंढा सत्य को नहीं जाना इस परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया और इसको नहीं समझा जिसने सब कुछ को बनाया तो क्या होगा क्योंकि आपको फायदा और नुकसान दोनों तो बताना मेरा फर्ज है ना जी हाँ बाकी आपकी मर्जी के, एक का आठ, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु के को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा ओ ओ ओ, ओ उनसे पहला ग्रंथ सोलह का इक्कीस यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो श्रापित है तो जितने मसीह लोग हैं जो अभी मेरे साथ कनेक्ट है कम से कम आठ सौ के आसपास मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप इस परमेश्वर से प्यार करते हो क्या आपने इस परमेश्वर को जाना और जो उल्टे सीधे बकवास करते हैं बाइबल के बाहर टीचिंग देते हैं या परमेश्वर को अलग तलग प्रचार करते हैं उनसे बच के रहिए और अपने आप को बचाइए दोस्तों आपके पास